सोना जी चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आग मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर कायम हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवार में, जो परिवारवाद है, देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समाज वैसा हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस तहस कर दिया है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमांदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं है। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुने के लोगों का, मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते हैं वो मैंने रोक दिया। तो आप पे तो कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था,
उनके नाम पर उनके वीडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है।